वायरस के चलते कुछ महीने पहले स्थगित हुई पाकिस्तान सुपर लीग को यूएई में एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इस लीग में दुनिया भर के कई खिलाड़ी खेल रहे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से एक नाम है वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी आंद्रे रसेल का। लेकिन रसेल पीएसएल के एक मैच में चोटिल हो गए, उनके साथ बड़ा हादसा हो गया। दरअसल आंद्रे रसेल हमेशा से ही शॉर्ट गेंदों के सामने थोड़े कमजोर नजर आते हैं। दुनिया के सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में से एक होने के बाद भी रसेल इस गेंद के सामने चकमा खा जाते हैं। ऐसा ही कुछ पीएसएल में हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के मैच में भी देखने को मिला। इस मैच में रसेल के हेलमेट पर एक गेंद लगी और वो घायल हो गए। इस मैच में ग्लेडिएटर्स की पारी के दौरान मोहम्मद मूसा इस्लामाबाद के लिए 14वां ओवर फेंकने आए। इस गेंदबाज की एक तेज शॉट गेंद सीधा रसेल के हेलमेट पर जा लगी। इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने आकर रसेल को चेक किया और वो फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार हो गए। हालांकि अगली ही गेंद पर वो आउट जरूर हो गए। पवेलियन जाने से पहले वो थोड़े असहज दिखे और फिर उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर तेज गेंदबाज नसीम शाह को मैदान पर बुलाया गया है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेडिएटर्स ने इस्लामाबाद को 134 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में इस्लामाबाद ने आराम से इस मैच को 10 ओवरों में बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। इस्लामाबाद की ओर से ओपनर कॉलिन मुनरो और उस्मान ख्वाजा ने अपनी टीम को जीत दिलाई। लेकिन आंद्रे रसेल इस मैच में हादसे का शिकार हो गए। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।